अनुराग जी, इतनी तेजी गाड़ी चलाने से कई बार वो दूसरों को कुचलने लगती है, आप भी कुचलने का प्रयास कर रहे हैं भाई। इसलिए जैसे आप कुचल रहे हो, अरे मैं तो शब्दों में हूँ, आप तो सच में कुचल रहे हो, हम तो शब्दों में। अरे वो दिख रहा है कौन ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, मान्यवर, मान्यवर कौन ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है। खैर छोड़िए, अब विषय पे आने दीजिए, अरे विषय पे आने दीजिए ना, विषयांतर मत करके दर्शकों का भी समय नष्ट होता है। अब मैं देखिए ऐसा है, एक बात तकनीकी है, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए जब किसी पे आरोप, ओफो क्या तरीका भाई, आप बोल चुके ना, आप बोल लीजिए और मैं आधा मिनट चुप हो जाता हूं, आप बोल लीजिए जो बोलना है, फिर मैं जवाब देता हूं। अब मैं जवाब दे सकता हूं अनुराग जी? ठीक, देखिए क्या होता है कि यदि एफआईआर इस बात की दर्ज की गई कि प्री मेडिटेटेड था, यानी एक षड्यंत्र, 120B का केस, कि ये योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र पूर्वक किया गया, तो योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र पूर्वक किए गए वाली बात को स्वीकार किया तो उसकी तो विवेचना होकर बात तय होगा ना, कि किसी ने कह दिया कि योजना बनी थी और षड्यंत्र किया गया, तो वो बगैर विवेचना के आरोप मात्र से ये नहीं माना जा सकता कि विवेचना हुई थी। अब विवेचना के लिए जो आरोपी है उसको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा भाई आप भी अपना पक्ष रखिए, आप पे आरोप है कि आपने षड्यंत्र पूर्वक यह काम किया है, सोच समझ के ये किया है। अब अगर वो नहीं अपियर होगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परंतु आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने ये कहा कि यह षड्यंत्र पूर्वक है, इसलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि षड्यंत्र पूर्वक है, इसलिए विवेचना भी नहीं होनी चाहिए और सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं हमारे दोनों विरोधी प्रवक्ता, सिर्फ एक हफ्ता पहले सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था किसान आंदोलन के लिए, और उसके बाद भी आपने भारत बंद का समर्थन किया था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी गठित कर दी थी किसान के लिए, उसके बाद आप काला कानून कहते रहे थे, क्या सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय का आपके मन में? और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसान आंदोलन के नेता क्या क्या टिप्पणी करते रहे, उनके द्वारा नियुक्त लोगों को, जो कांग्रेस सरकार में एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट रहे थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त होने पर भाजपा का आदमी कह दिया गया, और उसके बाद ये लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे, कितना सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय का। और बाकी बात तो छोड़िए अंजना जी, यहां पर तो यह बात है कि एक अपराध हुआ है और वह तो अभी आरोप और विवेचना की स्थिति में है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया, अपना निर्णय अंतिम सुना दिया और उस अपराध को कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, संसद पे हमला, और उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बयान देते रहे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अरे कौन था कातिल? सर्वोच्च न्यायालय को कातिल कह रहे थे ना, आप ही की सरकार थी। तो छोटे अपराध पे इतना हल्ला, और देश को टुकड़ा करने की बात आ जाए तो साहब उस पर कुछ नहीं। अरे मेडल लौटा दिए जो लोग संसद की सुरक्षा में लगे थे सोनिया गांधी जी को, और उसके बाद चेहरे पे शिकन नहीं आई, और वह लोग आकर इन्होंने कहा याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग किया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको मृत्युदंड दिया उसके लिए शब्द प्रयोग किया जुडिशियल किलिंग, और उसके लिए इनके नेता जाके न्यायालय में खड़े हुए। तो न्यायालय का कितना सम्मान है यह देश की जनता को अच्छी तरह पता है, वो आपके चरित्र में सांगोपांग दिखाई पड़ता। गौरवल जी, सुधांशु जी, पहले मैं आपके एक शब्द से मेरे को बेहद आहत हुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने जानबूझकर बोला होगा। आपने कहा छोटा अपराध, अपराध छोटे और बड़े भी करने लग गए सुधांशु जी। मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति मानता था, आप 8 लोगों के की नृशंस हत्या हो गई उनको आप छोटा अपराध बोलते हो। छोटा और बड़ा क्या होता है सुधांशु जी? अपराध छोटा और बड़ा क्या होता है? या तो आप अभी टेलीविजन पे उस शब्द के लिए माफी मांगिए, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। छोटा और बड़ा क्या होता है? कि छोटा अपराध था, बड़ा अपराध अलग होता मैं जवाब दूं। और फिर आपने सुधांशु जी रुकिए, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आपने मुझसे कहा, चलिए मैं रुकने के बाद जवाब दे देता हूं। आपने मुझसे कहा, अरे आपने मुझसे कहा ना कि आप माफी मांगिए, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो मैं इंतजार करता हूं अपनी बारी। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके शब्दों पे मुझे भी ऑब्जेक्शन है। छोटा अपराध क्या होता है? 8 लोगों की मौत को छोटा बता रही बात। फिर दूसरा सुधांशु जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को केंद्र सरकार और दिल्ली के जो बॉर्डर की सारी राज्य सरकारों को बोला कि जाकर आंदोलनकारी किसानों से बात करिए। 8 महीने 15 दिन हो गए आपने बातचीत को खत्म किए हुए। क्या प्रयास किया? वो आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहते, और यहाँ टीवी पर आके छोटे और बड़े अपराध का आत्मज्ञान दे रहे हो हमको, देश को। 8 लोगों की हत्या हो गई तो बोले ये तो छोटा अपराध है। मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ सुधांशु जी, और अगर आपने गलती से बोला है तो इस शो में जरूर माफी मांगिएगा। फिर प्रोफेसर रागी उन्होंने मुझे कहा, अरे साहब हमने FIR तो दर्ज कर ली ना। अरे रागी जी, FIR दर्ज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब लोग प्रियंका गांधी सड़क पे निकल गई तो आपको बाध्य होके FIR दर्ज करनी पड़ी। और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा रागी जी, आपको जान के आश्चर्य होगा।
क्योंकि मैं जानता हूं आप एक विवेकशील व्यक्ति है। यूपी सरकार ने कहा गोली के खोले तो बरामद हुए पर लगता है गोली निशाने पर नहीं लगी। अरे ये आपके वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट में।